गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। और आज हम आए हैं मुंबई एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट के लिए। तो वो क्या है आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन पहले हम चलते हैं रनिंग के लिए और मैं आपको एक बढ़िया सा एरिया दिखाता हूँ पोवाई का। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, कनॉट प्लेस का एक अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है। सो लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली मैं आपको रिवील करता हूँ कि वो खास प्रोजेक्ट क्या है। हम एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मस्त बंदे का जिम सेटअप करने आए हैं एंड आई एम श्योर आप उनको जानते हो। उनका नाम है मुंबई कर निखिल। सो वन आर एम की पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इनके जिम सेटअप के लिए। स्पेशली पैकेजिंग टीम की तो लग गई थी, मैंने देखा था उन्हें कि उनको 3 दिन लग गए थे निखिल भाई का जिम पूरा पैक करने में। उनके 19 पैकेट्स से और उसके बाद भी एक रह गया था, तो वो मैं लेकर आया हूँ। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फन डे। और आज एक बहुत ही खास दिन है, आज निखिल भाई का बर्थडे भी है, तो तैयार होते हैं और फिर उनको बर्थडे गिफ्ट देने चलते हैं। अंदर खुलेगा। और गाइस, मेरे कहने पर एक चीज ट्राई कीजिए, वाव स्किन साइंस की उपतन रेंज। इनके सभी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को अच्छे से नरिश और एकदम चमका देते हैं। इस रेंज में आता है फेस वॉश, बॉडी वॉश, फेस एंड बॉडी स्क्रब एंड फेस एंड बॉडी पैक। वाव स्किन साइंस की बेस्ट चीज़ ये है कि एक ट्रूली मेड इन इंडिया ब्रांड है। इनके सभी प्रोडक्ट्स प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बनते हैं और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल जैसे कि पैराबेंस एंड सल्फेट नहीं होता है। इस रेंज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। आप इनके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एक्सक्लूसिव ऑफर्स के लिए। साथ ही साथ इनके सभी प्रोडक्ट को आप इस तरह के एक क्यूआर कोड द्वारा ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो। सो गाइस, हम हैं इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर के घर, निखिल भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सो थैंक यू फॉर कमिंग। सो हम आए हैं निखिल भाई का जिम सेटअप करने। बाय द वे भाई, हैप्पी बर्थडे। अरे अरे, मैं खुद भूल गया, निखिल भाई का बर्थडे भी है। चलो भाई करते हैं, अच्छे से करते हैं। अभी थोड़ा वर्कआउट करना है। सो गाइस, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये जो हमारे साथ आए हैं राजकुमार भैया, इनकी बीवी ने आज करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, तो सुबह से भूखी प्यासी है। और अगर ये शाम को टाइम पर नहीं पहुँचे और बीवी ने व्रत टाइम पर नहीं तोड़ा, तो इनको बहुत तोड़ने वाली है। तो मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ थोड़ा सा खोलने में, ताकि जल्दी काम हो जाए और ये जल्दी से जा सके। जिम तैयार हो चुका है, तो हियर इट इज, देख लो। एक अच्छे से बन गया। सो भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बट बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है। यू नो कैसा रहता है, हमारा टाइमिंग बहुत ऑकवर्ड होती है। कभी नहीं मिला टाइम, कभी मूड आया, कभी मूड नहीं आया, कभी रात भर जागे, नेक्स्ट दिन सुबह सुबह सोए, फिर रात को उठ गए, क्या करें, चलो वर्कआउट करते हैं, हो जाएगा। सही है। किसी महान आदमी ने मुझसे कहा था कि दिन में 15 मिनट का, लेकिन वेट ट्रेनिंग का। तो गाइस, आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, 8:30 बज रहे हैं और हम आए हैं मेरे आइडल के घर पर। एंड मैं आपको अभी उनसे मिलाता हूँ। 3, 2, 1। तो हियर इज द मैन, द लेजेंड, रणवीर आलापाडिया, माय ओल्ड फ्रेंड यश भाई। सो वी वर इन टच आई थिंक सिंस 2015, 16, 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
at any point in my life, जब मेरे को लगता मैं ये नहीं कर सकता in my YouTube career, I would just think, क्या रणवीर होता क्या करता? I would just I'm just a brother. That's all, bro. But check out the episode we're going to create. हाँ, और भी ज़्यादा secrets reveal होंगे. So let's see, I'm really nervous कि क्या बात करने वाले हैं. मैं actually मैं सोच रहा था कि यार मैं जाऊँगा ठीक है. Entrepreneurs आते हैं. Celebrities आते हैं in your Ranveer show. You're also an entrepreneur. So yeah. You're falling into that category also. तो गाइस स्वागत कीजिए हमारे चैनल पर. हाय एवरीवन, मैं काली वाला का स्वैग देख रहे हैं, स्वैग से स्वागत कर रहे हैं. तो गाइस कोर्ट का हम जुनाद भाई से मिल रहे हैं. क्या नाम है भाई रेस्टोरेंट का? ये रेस्टोरेंट का नाम है दिल्ली डेन. दिल्ली डेन, ये अपने बहुत अच्छे दोस्त का रेस्टोरेंट है. दिल्ली डेन, दिल्ली डेन, दिल्ली डेन है ना? दिल्ली डेन है ना, ये देखो ये अपने बहुत अच्छे दोस्त का रेस्टोरेंट है. दिल्ली वाले आए थे तो उन्होंने बोला दिल्ली डेली लेके चलते, कुछ मिलता जुलता नाम है. सीरियसली गाइस, अमेजिंग रेस्टोरेंट है, बहुत ही शानदार खाना खिलाया जाना चाहिए. सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया. बिल आप बोल रहे हो? ठीक है ठीक है, मैंने नहीं खिलाया. ये देखो, ये आप लेकर आए यार. ये एक्स गर्लफ्रेंड की ऐसी हरकतें कर रहे थे. ये बिल आप पर हो गया. इतनी बढ़िया जगह लेकर आए, इसलिए थैंक यू. सो दिखा नहीं पाया आप लोगों को, बिकॉज बहुत भूख लगी थी. तो खाना आते हम खाने लग गए. अरे एनी टाइम, बिकॉज मैं चाह रहा था कुछ तुमने खाते तारी करने का मौका नहीं दिया. अरे डिनर के लिए मिले, मैं तो बोलता हूँ एक दिन रुक जाओ साथ में वर्कआउट करते. ये क्या हमारे छोटे लोगों के साथ काम अबाउट करेंगे? बड़े बड़े लोगों के साथ जिम सेटअप करके आ रहे हैं, पॉडकास्ट करके आ रहे हैं. अभी हो रहे हैं सुबह के 2 एंड बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं. बहुत ही ज़्यादा लंबा दिन था, बट सीरियसली अमेजिंग डे, लाइफ टाइम याद रहेगा. तीनों भाइयों से मिलकर बहुत अच्छा लगा. एंड आज मेरी लाइफ की बकेट लिस्ट जो है उसमें से एक इच्छा पूरी हो गई. मैंने आपको दिखाया है एक अपनी पुरानी वीडियो में कि हर सुबह उठकर मैं अपने लाइफ के जो गोल्स है वो रीड करता हूँ और उनको पूरा करने के लिए क्या करना है वो पढ़ता हूँ. तो उनमें से एक गोल है, गोल था आई विल बी ऑन रणवीर शो. ये मैंने तब बोला था, ये मैंने लिखा था मई 2019 में. तब मेरे 87K सब्सक्राइबर्स थे और आज वो फाइनली हो गया. एंड आई मीन मैं नर्वस था, ठीक है. सो पॉडकास्ट का क्या है ना, पॉडकास्ट दो इक्वल के लोग जब बातचीत करते हैं ना, जैसे दो दोस्त, दो एंटरप्रेन्योर, दो यूट्यूबर, तब ज़्यादा अच्छा होता है. बिकॉज दोनों एकदम इक्वल लेवल पे बात करते हैं आराम से, एकदम चिल होकर. पर रणवीर और मेरा कैसा है कि मैं उनको आइडल मानता हूँ. एंड आई वॉज फैसिनेटेड, मैं वहाँ चेयर पर बैठ के आई वॉज लुकिंग एट हिम लाइक वाह यार क्या क्या एक्सेंट है, क्या फेशियल एक्सप्रेशन है. सो मैं वो ऑवरस्ट्रक था, होता है ना. सो आई डोंट नो कैसा गया, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा ना लगे कि एक कद्दू बैठा हुआ है दाढ़ी के साथ जो बात कर रहा है. बट रियली हैप्पी. सो एक चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा, गाइस आप में से कोई भी अगर एक बंदा भी मेरे को देखकर इंस्पायर हो रहा है, जस्ट वॉन्ट टू से यू स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है. मुझे ये यश शर्मा बनने में, जिसे आप देख रहे हो आज, कई साल लग गए. ओके, कोशिश मैं चाह बहुत साल से रहा था, कोशिश बहुत साल से कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था. पर करते 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 हो गया. सो एक ही चीज़ कहता हूँ, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, 1 rep more लगाते रहो जिम में, लाइफ में. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर मज़ा आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें. किसी एक दूसरे से कैसे करोगे, किसी एक दूसरे का शेयर करें. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. पीस. सुना नहीं है? सुना नहीं है.